नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक तरफ पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार के विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए दुनिया के तमाम बड़े संगठनों और मंचों के प्रधान से संपर्क कर ये कह रहे हैं कि भारत पर दबाव बढ़ाया जाए 370 को लेकर के। भारत जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जरिए, अपने घरेलू नीतियों के जरिए जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी को चेंज करने की रणनीति अपना रहा है, उसको पूरी तरीके से फोर्स किया जा सके, भारत के इस रणनीति को पूरी तरीके से बेदखल किया जा सके, कोई भी कार्रवाई भारत न कर सके, ये पाकिस्तान कह रहा है। वो पाकिस्तान जिसकी अपनी कोई साख इंटरनेशनल मार्केट में या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में है ही नहीं, वो जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बार फिर OIC से संपर्क कर रहा है, UN से संपर्क कर रहा है, यूरोपीय यूनियन से संपर्क कर रहा है। ये और बात है कि जहां जहां भी चिट्ठी लिखी गई है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से, उस चिट्ठी को लगता है कूड़ेदान में डाल दिया गया है, क्योंकि भारत की साख के आगे पाकिस्तान की साख है नहीं। और पाकिस्तान जो बेसुरा राग अलाप रहा है वो पिछले 75 सालों से अलाप रहा है, जबकि भारत का अंग है जम्मू कश्मीर। ये UN सहित तमाम संगठन या मंच जो भी पूरी दुनिया में है, जो दबाव बनाते हैं, वो ये मान चुके हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब और मिर्ची लगेगी, क्योंकि एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मांड की कोई ताकत अब 370 को वजूद में नहीं ला सकती। 370 इतिहास का विषय बन चुका है। लेकिन इसके आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और जो सरकार ने फैसला करके 370 और 35A हटाया है, उसके बाद इसका सकारात्मक दृष्टिकोण सामने आएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ न्याय होगा, वहां पर विकास की जो धारा बहाई गई है उसको और गति दी जाएगी, जम्मू कश्मीर सहित लद्दाख और अन्य रीजन में पूरी तरीके से विकास होगा, वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू किया जाएगा और लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना होगी। ये एक बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद। अब इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी और पाकिस्तान LOC पर कोई दुस्साहस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब जब ये स्थिति आती है, पहले कई बड़े मंचों पर वो चिट्ठी लिख करके वहां पर अपने प्रतिनिधियों के जरिए मुद्दा उठाने की कोशिश करता है, अगर जम्मू कश्मीर का मुद्दा है। लेकिन भारत भी अभी यह कह चुका है कि हाँ, हम बातचीत करेंगे, हम अन्य मंचों पर जवाब देंगे, लेकिन POK की वापसी भारत में कैसे होगी, सिर्फ बातचीत अब इस पर है। और पिछले एक दशक में ही तो यह स्पष्ट कर दिया गया कि POK भारत का है और भारत उसे लेगा। POK के लोगों से भी यही बात आ रही है, वहां भी यही मांग की जा रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान की माली हालत खराब हुई है और वहां पर IMF ने तमाम बंदिशें लागू की हैं, तो पाकिस्तान में और ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, मुश्किलें और बढ़ रही हैं, ऊपर से चुनाव होने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि PMLN मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटें जीते और नवाज शरीफ एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, जिस पर फिलहाल ISI और पाक सेना का हाथ है। वो नवाज शरीफ बयान तो ये दे रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि वो पड़ोसी कैसा जिसका अपने पड़ोसी के साथ रिश्ता ही न हो, ये नवाज शरीफ कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा आता है तो वहां पर इस तरीके की बातें वहां के हुक्मरान करते हैं, वहां का विदेश मंत्रालय करता है, सेना के प्रवक्ता करते हैं, ISI इस तरह का प्रयास करती है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भारत में न्यूसेंस क्रिएट किया जा सके, और यही करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कह दिया कि ब्रह्मांड की कोई ताकत अब 370 को वापस नहीं ला सकती, उसको वजूद में नहीं ला सकती, तो पाकिस्तान को और मिर्ची लगेगी और ऐसी स्थिति में एक बार फिर LOC पर पाकिस्तान सरगर्म हो सकता है या कोई दुस्साहस करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान यह जानता है कि अगर वो दुस्साहस करेगा तो उसको बड़ा जवाब मिलेगा, और उस जवाब का जवाब देने की स्थिति में पाकिस्तान है ही नहीं, क्योंकि वो अपने टैंक और
फाइटर जेट को उड़ाने के लिए जो आवश्यक ईंधन की जरूरत है उसको भी मंगाने की स्थिति में नहीं है, आयात करने की स्थिति में नहीं है, फिर पाकिस्तान भारत के साथ कोई संघर्ष कैसे करेगा? लेकिन भूखा नंगा पाकिस्तान, घास की रोटियों को खा करके भी कश्मीर के लिए लड़ने वाला पाकिस्तान, ऐसी बात करने वाला पाकिस्तान कि भारत के हजार टुकड़े करा करके ही पाकिस्तान के लोग चैन की सांस लेंगे, ऐसे उसके हुक्मरान कहते रहे हैं, वही करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। क्योंकि भूखा नंगा तो हो चुका है, न सिर्फ ये कोई कहने की बात है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एस्टैब्लिश हो चुका है, कोई साख नहीं बची है। लेकिन जब भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा आता है तो पाकिस्तान ये राग अलापने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि अब 370 ब्रह्मांड की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में फिर से नहीं एस्टैब्लिश कर सकता, उसे नहीं लागू कर सकता, क्योंकि वो इतिहास का विषय बन गया है। इस पर अपनी राय दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।